नमस्कार दोस्तों, आज हम पटवारी 2021 की जो कट ऑफ रहने वाली है उसके ऊपर बात करेंगे। और आपको एक बात और बता दूं, जो हमने ये सर्वे तैयार किया गया है वह एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था जिसके अंदर पटवारी की जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन बच्चों को जोड़ा गया और उन्हीं के सर्वे के आधार पर हमने ये कट ऑफ तैयार किया गया है। इससे पहले एक बात और बता देता हूँ मैं कट ऑफ से पहले कि कट ऑफ एक दो क्वेश्चन पर तैयार नहीं होती है, पूरा पेपर का जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के आधार पर तैयार होती है। इसी प्रकार एक आरएस अभी जो एग्ज़ाम लगी थी आरएस परी की, उसके अंदर भी बहुत सारे एक दो क्वेश्चन ऐसे थे कि जी बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि वह पेपर इजी था, क्योंकि एक क्वेश्चन के आधार पर मेरिट तैयार नहीं होती है, पूरे पेपर का जो निष्कर्ष होता है उसी के आधार पर जो ये कट ऑफ है यह तैयार होती है। इससे पहले मैं बता दूं जो 23 और 24 को जो फर्स्ट पारी और सेकंड पारी 23 की और 24 की सेकंड और फर्स्ट पारी का जो पेपर रहा है उसका लेवल एक समान रहा है। ये नहीं कह सकते कि कौन सा हार्ड था कौन सा, लगभग समान लेवल रखा गया है। उसी के आधार पर जो कट ऑफ रही है उसकी हम बात करेंगे कि ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी, जर्नल की क्या रहेगी, एमबीसी की क्या रहेगी, इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस विडो सभी की हम बारी बारी से जो कट ऑफ है वह आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी पटवारी से संबंधित जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों अब बात करते हैं कट ऑफ की, ये तो मेल की है और इस साइड फीमेल की ही है, तो ये कैटेगरी कर देते हैं। तो देखो जर्नल की बात करते हैं, सबसे पहले जो जर्नल की है जो कट ऑफ उसकी बात करें तो आपको 205 से और 215 के बीच जो कट ऑफ है वह रहने की संभावना है। यह जर्नल मेल की बात कर रहे हैं हम, फीमेल की बाद में बात करेंगे, पहले एक बार जनरल मेल की बात कर लेते हैं। ओबीसी के अंदर ओबीसी की बात करें तो यह 200 से 210 के बीच रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो हमने सर्वे तैयार किया है उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की बात करें तो यह 195 से 203 के बीच रहने का अनुमान है, क्योंकि जो आप कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर है वह बहुत इजी आया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हर पेपर में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। जिस प्रकार मैंने बताया कि आरएएस के अंदर भी यह पूछा गया है कि राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वह कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आरएएस के लायक नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि बहुत ही ईजी होते हैं, तो आप ये ना सोचें कि पेपर बहुत ईजी है। तो ये जो कट ऑफ बता रहे हैं लगभग इसी के पास अनुमान माना जा रहा है। एससी की बात करें तो यह 270 से 80 के बीच रहेगी, मेल की बात कर रहे हैं। और एसटी की बात करें तो यह 160 से 70 के बीच रहेगी। ये तो हुई मेल कैंडिडेट्स पुरुष वर्ग के लिए। अब महिलाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें तो जो ओबीसी जर्नल की बात कर लेते हैं पहले, फिर ओबीसी की बात करेंगे। तो जर्नल के अंदर यह जो मेरिट है 177 से 183 के बीच रहेगी, जो महिलाएं हैं उनकी बात करें। अब ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात करें तो यह 175 से 182 के बीच रहेगी, जो कि कट ऑफ मानी जा रही है, अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं हम आपको। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, यानी कि जो गुजर और जो सामान्य वर्ग की जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है माना गया है, जो 10% आरक्षण दिया है केंद्र सरकार ने, उसकी जो मेरिट की बात करें महिलाओं की तो यह 168 से 75 के बीच अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके बीच रहने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं एससी की, एससी की बात करें तो यह 145 से 152 के बीच रहेगी, जो कि कट ऑफ महिलाओं की बता रहे हैं। अब बात करते हैं एसटी की, एसटी की बात करें तो यह 150 से 155 के बीच रहेगी। जो हमने सर्वे तैयार किया है उसके आधार पर आपको ये कट ऑफ बता रहे हैं। और आपको मैंने टेलीग्राम का जो ग्रुप था वह भी दिखा दिया कि आप मैंने जो सर्वे किया है वह किन बच्चों पर और किस प्रकार से उन्होंने अपने बताए हैं, क्योंकि उसके अंदर जिसने जितने नंबर आए हैं उसी के आधार पर मैंने ये जो सर्वे है हमने तैयार किया है। अब हम बात करेंगे जो विडो और जो तलाकशुदा या एक्स सर्विसमैन और
जो कि स्पोर्ट्स के लिए जो स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं उनकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो इससे पहले मैं एक बार बता दूं कि जो हमने कट ऑफ बताई है इसको ऐप अनुमानित है कि आप कहीं नर्वस हो जाएं कि ये तो मेरे नंबर इतने बन ही नहीं रहे, इससे थोड़ी बहुत नीचे भी रह सकती है लेकिन ऊपर तो नहीं जाएगी, यह बात तो पक्की है। थोड़ी बहुत नीचे आने की ही संभावना है ऊपर, क्योंकि जो हमने सर्वे तैयार किया है उसके आधार पर ऊपर कट ऑफ जाने के चांस कम है, नीचे ज़रूर रह सकती है। तो चलते हैं एक बार आप विडो और इनकी ओर बता देते हैं। तो विडो यानी कि जो विधवा की बात करें तो यह 60 से 70 नंबर में ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी के अंदर भी, और ओबीसी उनमें तो होना ही है। अब बात करते हैं तलाकशुदा महिलाएं जिनका तलाक हो गया है उनकी पटवारी की एग्ज़ाम दी है, तो जिनके 115 से 122 नंबर बन रहे हैं तो उनसे उनका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। इसी प्रकार एक्स सर्विस मैन की बात करें तो उसका 70 से 78 के बीच जिनके एग्ज़ाम में नंबर बन रहे हैं तो उनका सिलेक्शन है। इसी प्रकार सपोस्ट की बात करें तो 130 से 40 के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो आपको ये विश्लेषण जो हमने तैयार किया गया है इतनी मेहनत की है, तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा और आपके कितने नंबर पटवारी की एग्ज़ाम में बने हैं, ताकि हम और भी विश्लेषण करें आपके अंकों के आधार पर। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।